नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे वेस्टलैंड अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदे की, उसकी फाइल की, और इसमें अब क्या हो सकता है इसकी। आपको याद होगा, चुनाव प्रचार के दौरान कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात रिपीटेडली कही थी कि सरकार बनने के अगले 6 महीने तक जो है आपको देश में राजनीतिक भूचाल देखने को मिलेंगे। और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो हवा में तो कम से कम नहीं होता है। उन्होंने 2019 के चुनाव से पहले भी कुछ ऐलान किए थे, कुछ संकेत दिए थे, बड़े संकेत दिए थे, और ये बताया था कि अगले 100 दिन के लिए क्या ब्लूप्रिंट होगा सरकार बनने के बाद। वो ऑलरेडी उस पर काम कर चुके हैं। और आपको ये भी याद होगा कि सरकार बनने के 90 दिन के भीतर जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटा दिया गया था। इसके अलावा भी 3 तलाक विरोधी कानून भी पास कर दिया गया था। NIA का जो संशोधित बिल था वो भी पास कर दिया गया था। कई बड़े कानून जो हैं वो उन्होंने लग करके 90 दिन के भीतर संसद से पारित करवा लिए थे। अब फिर से सरकार बनी है, 9 जून को उन्होंने शपथ ली है। हालांकि इधर कुछ कुछ मुद्दों को लेकर के खास तौर से कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल जिस तरह से प्याले में तूफान लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ मति भ्रम हो सकता है लोगों का, और कुछ गलत आकलन भी कर सकते हैं। इन सब चीजों को देख करके, नीट को लेकर के जिस तरीके से पूरा एक सीन क्रिएट किया जा रहा है, टेलीविजन चैनलों पर भी, तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर के भी, शपथ ग्रहण होकर के निपटा ही था, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी, शेयर मार्केट घोटाला, JPC की मांग, और अब कह रहे हैं कि साहब हम ये एक और व्यापम घोटाला है, ये जो नीट वाला है, और पार्लियामेंट में हम इसको उठाएंगे। उनकी एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी एक ये ट्वीट किया था, उन्होंने लिखा था कि हाँ, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सदन का तापमान बढ़ने वाला है। अब सदन जबरन और जोर जबरदस्ती से नहीं चलेगा। अब 14 मिनट राहुल गांधी जी के बोलने पर 11 मिनट स्पीकर नहीं दिखाए जाएंगे। मन बढ़ई, गुंडई और तानाशाही का इलाज जनता ने कर दिया है। सदन में राहुल जी, प्रियंका जी, इंडिया के और नेता होंगे, BJP को मेरी अग्रिम सहानुभूति। ये ट्वीट मैंने बस आपको इतना भर दिखाने के लिए किया है कि इधर जो इनकी ये तीव्रता है, ये जो आक्रामकता है, ये जो इनकी जवानी जमा खर्च जिसको बोलते हैं, तीव्रता दिखाई दे रही है, आक्रामकता दिखाई दे रही है, ये पानी का बुलबुला साबित हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो फाइल उन्हें इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दी है, उस फाइल के कुछ डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश कर दें। और ये स्थितियां परिस्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं, और कौन से राजनीतिक भूचाल अगले 6 महीने में आने वाले हैं, इन पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। तो वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तो वीरेंद्र जी, जो चर्चाएं तमाम चल रही हैं, दबी छिपी हम तक भी पहुंच रही हैं, आप तक भी पहुंच रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इटली होकर के आए हैं, और उनके इटली दौरे को लेकर के भी तमाम तरह के सवाल इन लोगों ने खड़े किए हैं। यहां तक पूछा है
कि भारत तो G7 का सदस्य देश भी नहीं है, फिर प्रधानमंत्री वहां क्या लेने गए थे। इनके ट्वीट अगर मैं पढ़ूं तो जरा ये देखिए, इन्हीं सुप्रिया श्रीनेत का ये ट्वीट है जिसमें इन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी इटली गए क्यों थे, हम G7 के मेंबर देश नहीं है, राष्ट्राध्यक्षों से कोई बड़ी मीटिंग नहीं थी, कोई बड़ी संधि या सौदे नहीं हुए, कहीं कोई वक्तव्य या भाषण नहीं दिया, और अब तो यूक्रेन डिक्लेरेशन से भी दूर रहने का फैसला कर लिया है। तो क्या हर लीडर के गले पड़ने और सेल्फी खिंचवाने के लिए गए थे? यही नहीं रुकिए, इन्होंने कहा, और हाँ एक बात और कहना चाहती हूँ, ये मेलोडी बकवास बंद होनी चाहिए। मोदी 74 वर्ष के विवाहित पुरुष हैं, उम्र में 27 साल छोटी मेलोनी उनकी बेटी की उम्र की हैं, कुछ नहीं तो मोदी की पत्नी के आत्मसम्मान की तो इज्जत कर दो करो, हद कर दी है। हालांकि ट्विटर पर ही एक बहुत सक्रिय ओसियन जैन है, उन्होंने इनको जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि अब कांग्रेस को दर्द उठा है, प्रधानमंत्री इटली काहे गए, G7 के मेंबर हम नहीं हैं फिर काहे गए, मेलोनी संग सेल्फी काहे ली, और ये मेलोडी शब्द क्यों, हे हिप्पो की मानव रूप, सवाल मोदी और भक्तों से नहीं, राहुल की मौत से पूछो, एक तो न्योता काहे दी, ऊपर से ये मेलोडी शब्द भी उसी की देन है। यार ये इटली वालियां एलिजिबल मर्द देखते ही चिपकती हैं तो उनकी दिक्कत है, अम्मा चिपक आई थी अब मौसी, फिर 100 की एक हमारा तो नंदी बाबा है और छुट्टा रहेगा, अपनी गाय को संभालो। तो ये उनको जवाब दिया। वीरेन जी, जिस तरह की लैंग्वेज प्रधानमंत्री की इटली यात्रा को लेकर के इन्होंने की, सबने देखा, जो ग्रुप फोटो खींच रहा था जिसमें G7 के देश भी थे और विशेष आमंत्रित लोग भी थे, राष्ट्र प्रमुख भी थे, नरेंद्र मोदी ठीक सेंटर में खड़े किए गए थे, और पिछला एक मनमोहन सिंह का भी फोटो दिखाया गया था, वो पिछली पंक्ति में कहीं दबे छिपे से खड़े हुए थे। तो नरेंद्र मोदी का इंटरनेशनली जो सम्मान होता है उससे क्यों इतना चिढ़ती है कांग्रेस? दूसरी बात यह है कि अगर कोई G7 समिट आयोजित करने वाला देश हमारे राष्ट्र प्रमुख को बुला रहा है तो इसमें इतना जलने की जरूरत क्या है? और इटली से जो उपलब्धियां उनको हासिल हुई हैं और आने वाले दिनों में जो देश देखने वाला है, कहीं उससे तो ये बौखलाहट चरम पर नहीं पहुंच रही है? देखिए, पहली बात तो सबसे हैरत की बात यह कि सुप्रिया श्रीनेत खुद पत्रकार रही हैं और उनका इतना अनपढ़ किस्म का ट्वीट आ रहा है, ये उनकी अज्ञानता उनके गंवारपन को दिखाता है। पहली बात तो है कि G7 में भारत के प्रधानमंत्री पहली बार नहीं गए थे, भारत के प्रधानमंत्री 11वीं बार गए थे, अकेले नरेंद्र मोदी स्वयं 5 बार जा चुके हैं। ये उनकी G7 की 5वीं यात्रा थी। और दूसरा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि G7 मीटिंग का स्लोगन क्या था और उसकी थीम क्या थी। वो था आउटरीच, यानी वो हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं मित्रता का, हमें उनकी जरूरत नहीं, उनको हमारी जरूरत है। और जितने नेता वहां थे उसमें सब में अगर टॉलेस्ट नेता कोई था तो वो था नरेंद्र मोदी। ब्रिटेन में अगले महीने ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे पता नहीं, क्योंकि जुलाई के पहले हफ्ते में चुनाव है और ये सारे पोल जो वहां पे जो पोल सर्वे आ रहे हैं सबका ये 100% प्रेडिक्शन है कि कंजर्वेटिव पावर में नहीं आ रहे, लेबर पार्टी आ रही है। अभी हाल में यूरोपियन पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं और यूरोपियन पार्लियामेंट में जो वहां की दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, जो एंटी इमिग्रेशन और एंटी मुस्लिम पार्टियां हैं, उन्होंने बढ़त हासिल की है। फ्रांस में के जो राष्ट्रपति मैक्रों हैं उनकी पार्टी हार गई है, उन्होंने भी वहां पे उपचुनाव अपनी पार्लियामेंट को भंग कर दिया है, वहां उपचुनाव हो रहा है। जो आपके बिडेन साहब हैं जो 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 अमेरिकी राष्ट्रपति, उनको भी चुनाव झेलना है, वो भी 82-83 साल के हैं, वो भी दोबारा लौट के आएंगे पता नहीं है। तो और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। और जो कनाडा के जो आपके जस्टिन ट्रूडो हैं, जिनको भारत में
जसविंदर ट्रूडो या डस्टबिन ट्रूडो कहा जाता है, उनके यहाँ भी चुनाव हो रहा है, वो भी पावर में लौट के नहीं आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी उसमें एकमात्र नेता थे जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश, सबसे बड़े लोकतंत्र की देश के ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। जितनी कुल आबादी जो अमेरिका, कनाडा और यूरोप की मिलाकर के नहीं है, उतने तो भारत में केवल वोटर है, मतदाता है। 67 करोड़ से ज्यादा वोटर है भारत में, और करीब जो है भारत में 50 करोड़ से ऊपर वोट पड़ा है इस चुनाव में। तो आप इससे समझ लीजिए कि मोदी का कद उन लोगों के बीच में क्या था, वो सब बौने हैं जितने थे मोदी के सामने, और हमें उनकी जरूरत नहीं है, उनको हमारी जरूरत है। इस समय यूक्रेन से आपका रूस का वॉर चल रहा है। कहने को तो रूस यूक्रेन वॉर है, लेकिन वास्तव में ये अमेरिका जो है यूक्रेन को प्रॉक्सी बना करके खुद लड़ रहा है। और जो अमेरिका का जो मिलिट्री अलायंस है यूरोप अमेरिका का, जिसका नाम है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो मिलिट्री ब्लॉक है, वो लड़ रहा है। और अमेरिका अब तक 50 बिलियन से ज्यादा वहां पे हथियार झोंक चुका है, लेकिन जो जो जो, जो यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की कुछ कर नहीं पा रहा है। और इस समिट में भी ये उसको भरोसा दिलाया गया कि जो रशिया के एसेट्स हमने पूरी दुनिया में अमेरिका में सीज किए हैं, उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें हम आपको $50 बिलियन और देंगे। तो पहली बात तो सुप्रिया सुले की बात ये सिरे से खारिज होगी कि पीएम वहां गए क्यों थे। भारत के प्राइम मिनिस्टर की 11वीं यात्रा थी, इसमें मोदी की अकेले 5वीं यात्रा थी। उनको हमारी जरूरत है, हमें उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया इज ए फलकम स्टेट। हम जिस तरफ झुक जाएंगे दुनिया उधर झुक जाएगी। आज हालत ये है, आज नेटो को, अमेरिका को, यूरोप को यूक्रेन वॉर में भारत के समर्थन की जरूरत है। अगर भारत, चीन और रूस अगर एक साथ आ गए तो पूरे दुनिया से, खासकर एशिया से, यूरोप का, अमेरिका का तंबू उखड़ जाएगा। और ये जो ब्लॉक है G7, इंडिया मिला करके करीब वर्ल्ड का 45% से ज्यादा GDP ये कमांड करता है। तो सुप्रिया सुले की जो ट्वीट है, ये केवल उनके अनपढ़ होने का, और उससे ज्यादा जो उनका सौतिया डा है, जो उनका सामंती जो एटीट्यूड है, ये अपने को दबे और पिछड़े और गरीबों, दलितों और बैकवर्ड के नेता होने का दावा करते हैं, लेकिन ये जो दत्तात्रेय गोद का ब्राह्मण नेता है राहुल गांधी, इसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये तेली कैसे पीएम बना है लगातार तीसरी बार, और इसने नेहरू के रिकॉर्ड को बराबर कर लिया। हालांकि नरेंद्र मोदी की नेहरू से तुलना करना बहुत ही बेतुकी बात है, बहुत ही एब्सर्ड है, क्योंकि नेहरू के पहले चुनाव में 1952 में, 1957 में और 1962 में, तीनों चुनाव में लगातार जब नेहरू पीएम बने, तब देश में विपक्ष था ही नहीं। और भारत के लोगों को ये बात याद नहीं है, नेहरू के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में कभी भी लोकसभा में विपक्षी नेता नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा, कभी विपक्ष के पास जो संख्या होनी चाहिए लोकसभा के कुल सदस्यों का 10%, यानी करीब 54 या 55, वो कभी किसी दल को विपक्ष में मिले ही नहीं। पहली बार नेता विपक्ष 1977 में कांग्रेस का बना है ब्रह्मानंदन रेड्डी। 1977 में जब एमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी भाई प्राइम मिनिस्टर थे और कांग्रेस के 150 से ज्यादा सांसद आए थे लोकसभा में, तब पहली बार था नेता विपक्ष। 1980 में इंदिरा गांधी फिर आ गई, कोई नेता विपक्ष नहीं रहा। राजीव गांधी आ गए, तब भी कोई नहीं रहा। 1989 में कांग्रेस फिर बनी, राजीव गांधी लीडर अपोजिशन हुए, उस समय कांग्रेस के MP की संख्या 192-194 थी। और 91 से लेके में BJP लीडर अपोजिशन हुए, और उसके बाद से लेके आज तक BJP के सीटों की संख्या लगातार 3 संख्या में है। और नरेंद्र अटल जी के समय तक वो कभी 200 क्रॉस नहीं की। नरेंद्र मोदी के समय पहली बार 200 क्रॉस किया 282 2014 में, 2019 में 303 या 305 थी, और 2024 में घटके 240 पे आ गई। तो ये सुप्रिया सुले का अहंकार, सामंती अहंकार है उस, और हमने इस रूप में, हमने देश में शासन किया है, सत्ता हमको मिली थी अंग्रेजों से,
सत्ता, देश में सत्ता में रहने का अधिकार हमको है, ये मोदी कहां से आ गया? ये एक तो ये उनकी प्रॉब्लम है, और कांग्रेस की ये नरेंद्र मोदी की के प्रति भद्दी भाषा, आपराधिक भाषा का 20 साल पुराना इतिहास है, कोई नई बात तो है नहीं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी कांग्रेस यही काम करती थी, और अब तो अब चूंकि दिल्ली में मोदी बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो कांग्रेस का ये जो चेहरा घिनौना है अब पूरा देश देख रहा है। पिछले 10 साल से गुजरात में था तब पूरा मामला देश के सामने नहीं आया था, अब 10 साल से खुल के सामने आ गया है। तो सुप्रिया सुले का तो मतलब ये है कि G20 वो G7 में क्यों गए थे, और यहाँ याद दिला दूं जब सितंबर में G20 समिट हुई थी, जो अब तक की सबसे सफल समिट रही है G20 की, उस समय भी कांग्रेस ने कहा अरे क्या मतलब है इस समिट का, वो तो हमारी बारी थी तो हमको मिल गई, हमें क्या मिला। लेकिन नरेंद्र मोदी का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में लगातार कद बढ़ना, आज नरेंद्र मोदी एशिया यूरोप के टॉलेस्ट लीडर हैं, आज दुनिया में नरेंद्र मोदी जैसा डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नेता देश में दूसरा है ही नहीं। आप चाहे कितना गाली दे लो आप उसको नकार नहीं सकते। तो जो इनकी और अब तो सीनियरिटी के मामले में दुनिया में भी नहीं है, आप चीन को छोड़ दो, रूस को छोड़ दो, तो ये जो है ये जो इनकी इच्छा है और जो इनकी जातीय घृणा है नरेंद्र मोदी से, ये बंद नहीं होने वाली है, ये खत्म नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ा जो है कॉन्ट्रडिक्शन है कि ये मोहब्बत की दुकान चलाते हैं राजीव गांधी और उनकी प्रवक्ता, उनके सारे नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ रोज 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 केवल नफरत का जहर उगलते हैं और मोहब्बत की दुकान भी चलाते हैं। अच्छा है, सब जनता के सामने आ रहा है। ये जो है, क्या ये जो इस तरह के विश्वास के रिश्ते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, न केवल इटली की प्रधानमंत्री से बल्कि दुनिया भर के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके साथ, और खास तौर से इटली से, चूंकि सोनिया गांधी बिलोंग करती हैं और राहुल गांधी के मामा नाना नानी वहां के हैं, तो इसलिए भी इनको मुझे लगता है कि ज्यादा आग लगती है। ये जो इस तरह के चित्र आते हैं मोदी के और मेलोनी के, ये और भी ज्यादा परेशान कर देते हैं इन लोगों को। एक वीडियो इधर आया था और उस वीडियो में भी सेल्फी इन्होंने ली थी मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। अगर आप अच्छा वीडियो दिखा रहे हैं आप। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। ये चीजें इनको परेशान करती हैं क्या? इनको परेशान इसलिए करती हैं कि इस तरीके की जो डिप्लोमेसी में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जिस तरीके का पर्सनल रेपोर्ट नरेंद्र मोदी ने दुनिया के प्रमुख नेताओं के संग बनाया है, इस तरह का स्टेचर केवल नेहरू, क्योंकि नेहरू तो अंग्रेजों के बड़े पसंदीदा थे नेता, और वो अंग्रेज थे ही, उनका केवल शरीर भारतीय था, बाकी दिमाग से, संस्कार से और नीतियों से और सोच से, अपने अपने कर्मों से, तो वो पूर्णतः अंग्रेज थे। तो ये कद नेहरू का था, उसके बाद इंदिरा गांधी का था, और थोड़े समय के लिए राजीव गांधी ने किया। तो उनको सबसे बड़ी जलन ये हो रही है कि हमारे खानदान के बाहर ये कौन सा नेता आ गया जो नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबसे आगे जा रहा है। तो ये और डिप्लोमेसी में एक व्यक्तिगत संपर्क होना, एक पर्सनल इक्वेशन होना और पर्सनल फ्रिक्वेंसी पे काम करने का बहुत बड़ा असर होता है। मैं आपको इसका साफ उदाहरण देता हूँ, नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड ट्रंप से और जियो बिडेन से जो उनके अपने निजी प्रगाढ़ रिश्ते रहे हैं, उसको भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत को मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर में, खास करके जेट इंजन टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर में, ड्रोन इंजन की टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर में, ड्रोन की सेल में जो फायदा इंडिया को हुआ है, ये नरेंद्र मोदी का जो निजी रिश्ता है, जो उनका रेपो है, उसके आधार पर ही हुआ है। तो अगर नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं इतनी सफल होंगी, और सफल यात्रा का मतलब ये होता है कि भारत को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या लाभ हुआ, तो वो लाभ साफ हमें लगातार हो रहा है। और जैसा मैंने पहले के प्रोग्राम में बताया था, नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले व्यक्ति हैं
जिसने वेस्टर्न ग्लोबल पावर जिनका आज भी दुनिया में राज चलता है, नरेंद्र मोदी ने ऑयल लॉबी से पंगा लिया, मेडिसिन ड्रग लॉबी से पंगा लिया और आर्म्स लॉबी से पंगा लिया। तीनों मामलों में उनका सीधा मुकाबला अमेरिका से रहा, लेकिन अमेरिका मोदी को झुका नहीं पाया। रशिया से भारत ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, अमेरिका ने दबाव डाला आप इसको कैंसिल कीजिए, लेकिन हमने वो 20,00,000 करोड़ रुपए का मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने खरीदा, इंडिया में आ गया, डिप्लॉय हो गया, पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो एकदम न्यूट्रलाइज हो गई। अब उसके इंस्टॉल होने से 400 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई भी प्लेन फ्लाई करेगा तो वो मिसाइल सिस्टम उसको पकड़ लेगा और ये बता देगा कि ये प्लेन सिविलियन है या ये प्लेन मिलिट्री का है। इसी तरीके से ये हुई आम लॉबी, दूसरी है ड्रग लॉबी। ड्रग लॉबी, ये अमेरिका का दबाव था कि आप 60 देशों को वैक्सीन फ्री दे रहे हो, ये मत दीजिए, बाकी 40 देशों को आपने बहुत सस्ती दरों पे वैक्सीन दी कोविड की, ये मत दीजिए। 100 देशों को वैक्सीन देने से अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनी फाइजर को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ, और जो अमेरिकन ग्लोब जो डीप स्टेट कहलाता है उसकी कंपनी है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक की मालिक यही कंपनी है, ब्लैक रॉक ओन करती है फाइजर को, और ब्लैक रॉक को अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट यानी पेंटागन से हर साल हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर के ठेके मिलते हैं। और अमेरिका का बड़ा यूनिक सिस्टम है मनी लॉन्ड्रिंग का, कि जिन कंपनियों को स्टेट डिपार्टमेंट के पैसे से ठेके मिलते हैं यही कंपनियां अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट और या रिपब्लिकन को फंडिंग देती हैं। और तीसरा पंगा था, वीरेन जी मूल विषय पे आ जाते हैं, बहुत सारे दर्शक जो हैं टिप्पणी कर रहे हैं कि साहब मूल विषय पे आइए। मूल विषय जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इटली की यात्रा पर गए थे, वहां से उनको एक फाइल मिली है 227 पेज की, और ये फाइल किसी और ने नहीं प्रधानमंत्री मेलोनी ने सौंपी है। और ये डॉक्यूमेंट बताए जा रहे हैं वहां की अदालत ने जो अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे से रिलेटेड मुकदमा चला था और जिसमें वहां पर 4 लोगों को सजाएं हुई थी उससे रिलेटेड। इस फाइल में कई भारतीयों के नाम हैं और इन भारतीयों में ये बताया जा रहा है कि साहब ये सब वो सब लोग हैं जिन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में करीब 600 करोड़ की रिश्वत खाई थी। चूंकि 2013 में ये मामला सामने आ गया था जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो ये एक रिक्वेस्ट यहां से गई थी कि साहब इसका डिटेल जो है वो पब्लिक डोमेन में जारी ना किया जाए। तो वो सारी चीजें आ तो रही थी बाहर, लेकिन दबी छिपी रूप में आ रही थी। अब ये जो फाइल मिली है भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसमें एक अभियुक्त हमारे यहाँ भी बंद है जेल में और करीब करीब 5 साल उसको होने को जा रहे हैं। एक जो इकोसिस्टम यहाँ पर काम करता है वो उसकी हिमायत में खबरें छापता है, ऑनलाइन एक पूरा अभियान चलाता है। तो थोड़ा इस पूरे मामले पर रोशनी डालिए कि ये फाइल जैसे ही पब्लिक डोमेन में आएगी कितना बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है, जिसका संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव अभियान के दौरान देते रहे हैं। देखिए, इटली की मिलान कोर्ट ने 2016 में लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया था और उसमें जो अगस्ता वेस्टलैंड जो कंपनी है उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर था उसको 4 साल की सजा सुनाई थी 2016 में। तो हमें जानकारी नहीं कि वो जेल से बाहर आ गया होगा। और उस कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ था कि वेस्टलैंड ने इंडिया के VVIP पॉलिटिशियन, टॉप ब्यूरोक्रेट और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को रिश्वत दी थी, और ये पैसा क्रिश्चियन मिशेल के जरिए दिया गया था। क्रिश्चियन मिशेल एक ब्रिटिश नागरिक है और अगस्ता वेस्टलैंड की एक सब्सिडियरी है जो ब्रिटेन में है, जिस जो हेलीकॉप्टर बनाती है और जिसके और ये हेलीकॉप्टर ये उसके जरिए आने थे। और उस समय, और आपको याद होगा उस समय जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ थे SP त्यागी, वो भी इस मामले में चार्जशीटेड हुए थे और वो जेल भी गए थे और उनकी बेल हो गई थी।
और जब इस मामले को लेकर के शोर मचा था तो 2013 में जो एके एंटोनी उस समय जो भारत के रक्षा मंत्री थे उन्होंने इस मामले को सीबीआई को रेफर किया था और 2017 में सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली की कोर्ट में स्पेशल कोर्ट में पहली चार्जशीट फाइल की थी और 2020 में चार्जशीट फाइल की थी और इस मामले में जो आपका जो असली मिडिलमैन है जिसने पैसा भारत के नेताओं को अधिकारियों को एयरफोर्स के अफसरों को दिया वो है क्रिश्चियन मिशेल। वो दुबई में रह रहा था और दिसंबर 4, 2018 को उसको दुबई से उसका प्रत्यर्पण किया गया यानी एक्सट्राडिशन किया गया और वो 2018 में दिसंबर में भारत लाया गया। उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है और भारत के बड़े बड़े वकील बड़े बड़े लोग और वामपंथी जो मीडिया है जो आपका लुटियन गैंग जो आपका खान मार्केट गैंग का जो इकोसिस्टम है वो इसकी पैरवी में जुटा हुआ है और यहाँ तक कि और इसकी बेल की एप्लीकेशन लगातार खारिज हो रही है और अभी इसी साल 3 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट ने डीवाई चलचूर की कोर्ट ने इसकी बेल की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था और जितने आधार बताए गए थे कि इसको जेल में रखना गलत है तो उन्होंने उसको नहीं माना था और बेल खारिज हो गई थी। क्रिश्चियन मिशेल आदमी इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो राजदार है वो किस किस से मिला उस समय नाम आया था कांग्रेस के नेता थे ऑस्कर फर्नांडिस थे या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एम के नारायणन थे उनका भी नाम आया था पैसा दिया गया खैर तो अगर क्रिश्चियन मिशेल जो है वो भारत सरकार की कस्टडी में है तिहाड़ जेल में है और अगर जॉर्जिया मिलोनी से अगर वो फाइल मिल रही है तो वो सबसे उसमें जो बात घातक होने वाली है कि जिन्होंने इटली के अधिकारियों ने इंडिया के अधिकारियों को नेताओं को एयरफोर्स के लोगों को पैसा दिया वो तो कन्विक्ट हो गए सजा हो गई जेल काट ली उन्होंने लेकिन जिनको पैसा मिला उनके नाम अभी भी गुप्त बने हुए हैं रहस्य बने हुए हैं और वो मजे में टहल रहे हैं। तो अब जो है ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि इटली से जो सरकार को फाइल मिली है तो जिनको पैसा दिया गया वो अब सब नाम खुल जाएंगे और मिलान कोर्ट के ऑर्डर में कई जो क्रिश्चियन मिशेल के जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट हैं कि किस आदमी को कितना पैसा दिया गया वो भी एनेक्सर के रूप में नथी किए गए हैं और ये जो फाइल की बात आपने की ये इटालियन गवर्नमेंट ने जो अपना इन्वेस्टिगेशन किया था कि इस डील में क्या क्या हुआ था और किसने पैसा दिया था किस तरीके से हुआ था और कहां कहां पैसा इसको पहुंचाया गया उसका एंड यूजर कौन था इसका सारा ब्योरा इसमें है नाम समेत। तो ये जो अब तक ये जो शोर बचाते थे कि नरेंद्र मोदी कहते थे ब्लैक मनी विदेशों में पड़ा कहाँ है ब्लैक मनी कहाँ आया ब्लैक मनी कहाँ आए 15 लाख तो इन लोगों के अब मुंह बंद हो जाएंगे और इनको मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा ये परेशानी इनके सामने खड़ी होने वाली है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जून 4 को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से लेके अब तक न तो सोनिया गांधी ने न राहुल गांधी ने न कांग्रेस पार्टी ने अभी तक बधाई नरेंद्र मोदी को नहीं दी है और कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक हेट कैंपेन जो है उसके लेवल को बढ़ा दिया है। जयराम रमेश रोज ट्वीट करते हैं और नरेंद्र मोदी को बोलते हैं नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर पहले बोलते थे आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर निवर्तमान प्राइम मिनिस्टर 4 जून से बोलने लगे नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर और जब से ये आपका जो नीट परीक्षा जो होती है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए उसके परिणाम का जो मामला सामने आया है और जिस तरीके से बिहार में आरजेडी के नेता लालू यादव के पुत्र और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है और उसको लेकर के आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और वो मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि आज सुबह जो NET की परीक्षा होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की फॉर द एनरोलमेंट एज ए PhD स्कॉलर स्टूडेंट वो भी एग्जाम कैंसिल हो गया। तो इनको एकाएक जो है बैठे बिठाए 2 हथियार मिल गए नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी हेट कैंपेन को और तेज करने के लिए। तो अब ये जो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट भारत सरकार को मिल गए हैं निश्चित तौर पर ये सारे इस बात को बताते हैं कि कांग्रेस का ये बेचैनी क्यों है
कांग्रेस की जो हेट कैंपेन एकाएक इतनी तेज क्यों हो गई है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्योंकि अभी आपने यही काम तो आपने किया है पूरे मार्च में, अप्रैल में और मई में, जून में, और 10 साल से यही काम आप कर रहे हैं। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए थी कि थोड़ा आप सांस लेंगे और नई सरकार के बनने का इंतजार करेंगे। अभी तो पार्लियामेंट के मेंबर्स की पहली फॉर्मल मीटिंग भी नहीं हुई है, मेंबर्स की का अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है, नए स्पीकर का चुनाव भी नहीं हुआ है, तो उसके पहले एकाएक ऐसे कह देना कि जैसे नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी 5 साल पुराने पीएम है, अरे अभी उनको पीएम बने तो 20 दिन भी नहीं हुआ, चौथी बार तो वो तीसरी बार पीएम बने तो उनको भी 2 हफ्ता भी नहीं हुआ। तो ये सारी बातें बताती है कि कांग्रेस की बेचैनी का राज क्या है और ये बेचैनी कहां से आ रही है, और इटली को लेकर के इतने ट्वीट क्यों आ रहे हैं। और तो और जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं राज्यसभा के, वो भी इटली की प्राइम मिनिस्टर मोदी की यात्रा को लेकर के अजीबोगरीब सवाल उठा रहे हैं। तो ये है कांग्रेस की बेचैनी। और इस फाइल में और अदालती कार्रवाई में गांधी नेहरू परिवार के भी कुछ सदस्यों के नामों का उल्लेख है, और यहां तक कहा गया है कि 300 करोड़ की रिश्वत जो है उनको मिली है। ये बात तो उस समय भी आई थी 2016 में कि, और ये कई वेबसाइट पर छपा भी था कि उसमें सोनिया गांधी का नाम है, जो हैंड रिटन एनेक्सर लगाए गए हैं जजमेंट ने मिलान के, मिलान कोर्ट के, उसमें उनका नाम है। लेकिन वो तो कोर्ट की बात थी। अब इटालियन गवर्नमेंट का जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, अगर वो आ रही है तो दैट विल बी ए वेरी क्लिंचिंग एविडेंस, जो मामले को आर पार एकदम साबित कर देगा। और कांग्रेस का रक्षा सौदों में पैसे लेना और रिश्वत लेना कोई नई बात नहीं है। दिल्ली की एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है नीरजा चौधरी, अभी इस वर्ष के शुरू में उनकी किताब आई थी हाउ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, उसमें उन्होंने ये ब्यौरा दिया है कि उनसे राजीव गांधी से किसी ने पूछा कि राजीव गांधी ने पूछा कि संजय गांधी के समय 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए थे वो कहाँ गए। तो राजीव गांधी ने कहा कि भाई यहाँ तो कुछ 80-90 लाख रुपए हैं पार्टी खाते में, हमें कुछ पता नहीं। और ये कलेक्शन हुआ था इमरजेंसी के जमाने में, 20,000 करोड़ रुपया संजय गांधी ने किया था 1980 में दोबारा इंदिरा गांधी पीएम बनने के बाद। ये पूरा ब्यौरा नीरजा चौधरी की पुस्तक में है हाउ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, वो किताब जो है काफी पॉपुलर हुई है, काफी बिकी है, उसमें कोई भी जाके पढ़ सकता है कि उन्होंने कितना विस्तार से उसके बारे में लिखा है। तो कांग्रेस का लूट का इतिहास तो बहुत पुराना है जी। यानी ये फाइल, इसके डॉक्यूमेंट अगर अदालत में पेश हुए, इन पर अगर कार्यवाहियां शुरू हुई तो बेहिसाब मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। वो हम नहीं जानते लेकिन हम एक बात जानते हैं कि जो आपके कांग्रेस का इकोसिस्टम है और जो वकील हैं, जो क्रिश्चियन मिशेल के पक्ष में लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब बिना ट्रायल के ये आदमी 5 साल से बंद है और ये सब बड़ा अन्याय हो रहा है, और साहब जो और ये जो और जो नवंबर 2020 का जो यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्री डिटेंशन रूल्स के की जो रूलिंग है कि ह्यूमन राइट्स के तहत किसी भी और इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में इस तरह से किसी आदमी को 5 साल जेल में बंद रखना आर्बिट्रेरी है, मनमाना है, अवैध है और इलीगल है, तो उन लोगों को राहत मिल जाएगी कि अब ट्रायल प्रोसीड करेगा और ट्रायल तेजी से चलेगा और सारी बातें सामने आएंगी अब। और जो और इसमें एक चीज और भी है, जो ब्रिटेन का जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है उससे भी बहुत कुछ सूचनाएं भारत को मिलनी हैं, कुछ मिल गई थी और बाद में जब भारत सरकार ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने सूचना देने से मना कर दिया था। अब ये जो डॉक्यूमेंट इटली से आ गए हैं या आ रहे हैं, इनके आने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अब मजबूर होगी कि इस वेस्टलैंड डील से संबंधित जितना ब्यौरा उसके पास है, क्योंकि वो सब्सिडियरी का जो है वो तो ब्रिटेन की ही है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भी इस सौदे को लेकर के बहुत जानकारियां हैं, और क्रिश्चियन मिशेल तो ब्रिटिश नागरिक ही है, तो वो इस रक्षा सौदे का कंसल्टेंट था। यहाँ दलालों को बहुत सम्मानजनक नाम दिया जाता है, कंसल्टेंट यानी सलाहकार,
तो ये था दलाल लेकिन नाम है इसका कंसल्टेंट, और ये भारत सरकार के की कस्टडी में है, तो अब ट्रायल तेज चलेगा। और ये तो देखिए, ये तो अभी शुरुआत है, पता नहीं कौन कौन से जो कहते हैं, एक कहावत है अंग्रेजी में, स्केलेटन इन द कबर्ड्स विल फॉल, क्या क्या कंकाल अभी इनके अलमारियों में भरे हुए हैं, अभी कितने बाहर आएंगे ये देखना बाकी है। तो ये वास्तव में ये आने वाले दिनों में ये भारत की राजनीति में भूचाल लाने वाली ये घटना। पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूं कि ये मामला सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इसके अलावा फेसबुक पर, जितने सोशल मीडिया मंच हैं वहां है, लेकिन देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है। हाँ, तो ये सफलता है हमारी इकोसिस्टम की, 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 की जो प्राइम मिनिस्टर लगातार कह रहे हैं लुटियन गैंग, खान मार्केट गैंग, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, आप देखिए अभी भी कितना पावरफुल है ये, मतलब। और जो ये कश्मीर फाइल फिल्म में आई थी उसमें जो जेएनयू की प्रोफेसर जो कि वामपंथी कम्युनिस्ट कहती है ना, अभी भी चल रहा है। और एक किताब लिखी है जो दूरदर्शन के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने, नरेंद्र मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, उसको पढ़िए, उसमें पूरा पूरा ब्यौरा दिया हुआ है कैसे कैसे खबरें, झूठी खबरें चलाई गई मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ पिछले 10 सालों में, कैसे कैसे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कैसा झूठा कैंपेन चलाया गया, हेटफुल कैंपेन चलाया गया, लेकिन और एक बड़े तबके ने उसको सही माना। वो कार्यक्रम आज भी चल रहा है, उसमें कोई कमी थोड़ी आई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर तीसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी ने पूरा कर लिया तो फिर हमारा कोई भविष्य है नहीं इस देश में। और मैं बता रहा हूं आपसे, ये जो 99 सीटें कांग्रेस की आ गई हैं, ये एक धुप्पल है, ये एक पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट था जिसके चलते सीटें कांग्रेस की बढ़ गई हैं महाराष्ट्र में और यूपी में और हरियाणा में। और ये आप देख लीजिएगा, ये अगर मामला इटली वाला अगर आगे बढ़ा तो जो इनका जो मजा है इसको सजा बनने में देर नहीं लगने वाली, 6 महीने में सब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, आप जुड़े और इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, थैंक यू सो मच, नमस्कार।